कि 22 रजब को कुंडा होता है। इस सिलसिले में मुझे सदर मुफ्ती देवबंद जो 5 मुफ्तियों के असरे आला और इंशाल्लाह शंबे को यानी कल तशरीफ ला रहे हैं मदीने शरीफ से दिला चुकी हूँ उमरा करके, पहले भी आप हजरात उनका बयान यहाँ सुन चुके हैं, मेरे शेख के उस्ताद हैं मौलाना शाह रावत साहब के और शेखुल हदीस साहब के अजल खुल्फा में से उनकी तहरीर मौजूद है, उसको मैं तकसीम करूंगा इंशाल्लाह किसी को छाप करके। उन्होंने फरमाया कि 22 तारीख रजब की जो कुंडा किया जाता है और बहुत बरकत इसमें समझते हैं लोग और समझते हैं कि ये जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मोहब्बत में की जा रही है, तो फरमाया बिल्कुल गलत है। तारीख की हैसियत से इतने बड़े आलिम ने तहकीक की कि उस दिन एक सहाबी का इंतकाल हुआ, 22 रजब को एक सहाबी का इंतकाल हुआ है, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु कातिब वही, और बाद असर जो नफिल पढ़ना जायज नहीं है इस हदीस के रावी यही है हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। बुखारी की रवायत है कि अज़ के बाद नफिल जायज नहीं, कोई पूछे कौन है रावी इसका, ये अमानत किसने पहुंचाई उम्मत को, हजरत मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब नवाब वाजिद अली का जमाना था लखनऊ में तो ये सिलसिला शुरू हुआ कि एक सहाबी की बुग़्ज़ और दुश्मनी में जरा हलवे मांडे खुशी मनाई जाए, और उसको देखा कि कुछ सुन्नियों ने जरा एहतजाज किया तो कहा छुप करके खाओ जहां कोई ना देखे, एक कमरा छोड़ो दूसरा कमरा छोड़ो, आखिर में जो बिल्कुल पोशीदा हो वहां उसको खाना शुरू किया खुशी मनाने के लिए। इसलिए मेरे दोस्तों इस सहाबी की अजमतों और हुरमतों और उनकी मोहब्बतों के हकूक में से कि अहले सुन्नत हरगिज़ इस रस्म को ना अदा करें, वरना सरवरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीबान हाथ में लेकर फरमाएंगे तुमने मेरे सहाबी के इंतकाल पर ये खुशी मनाई कूड़ा, और देखो ये इबादत नामुबारक नामुबारक है, इबादत है ही नहीं, ये बिदत इतनी मनहूस है कि आजकल जब किसी की पिटाई कर देते हैं तो कहते हैं मैंने उसका कूड़ा कर दिया, और अगर धमकी देते हैं तो कहते हैं देखो ज्यादा शरारत मत करो इतना पिटाई करूंगा कूड़ा कर दूंगा तुम्हारा, अगर इबादत होती तो कूड़ा होना ये पिटाई के वक्त इस्तेमाल ही ना होता है लफ्ज, जहां लफ्ज फारसी आ जाए, देखो कूड़ा जो है अरबी लफ्ज नहीं, दीन तो अरबी में नाजिल हुआ, जहां आप देखेंगे कोई फारसी गैर अरबी लफ्ज है बस आप खटक जाइए अपने काबिर से पूछिए, जैसे नियाज नाजो नियाज फारसी लफ्ज है, अब ये कैसे हो जाएगा दीन, भाई दीन तो अरबी में नाजिल हुआ, और ऐसी फानी जहां लग जाए किस्सा फानी मरसिया फानी फातिहा फानी जहां फानी लग जाए सब लोग खतरा फानी दन, तो फारसी लफ्ज है, दीन ईरान में नाजिल नहीं हुआ, दीन मदीने शरीफ में नाजिल हुआ, मक्के शरीफ में नाजिल हुआ, इसलिए उलमा से पूछो ये क्या चीज है भाई, कुंडा कुंडा अरबी लफ्ज है, डाल है, है? बताओ भाई अरबी में डाल है, गाफ है चे है, जितने गालियां हैं सब अरबी 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 जबान में शामिल नहीं है, बिल्कुल पाकीजा जबान है, जन्नत की जबान है भाई, फिस्क और फुजूर के अल्फाज के ऐसे हरूफ तक नहीं लाए गए इसमें, समझा, लिहाजा इसका ख्याल कीजिए। 22 रजब आ रही, अपने दूर दूर दोस्तों को मना करो, ये बिल्कुल जिसको तहरीर करनी हो आ जाए मेरे पास, मुहरशुदा देवबंद दारुल उलूम के हजरत मुफ्ती साहब की तहरीर मेरे पास मौजूद है, उसको मैं इंशाल्लाह जल्द ही छापने वाला हूँ।